सोलन जिला के औद्योगिक शहर बद्दी को नगर परिषद से नगर निगम बनाने के फैसले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्थानीय जनता के साथ भाजपा द्वारा भी विरोध जताया जा रहा है। मामले में अब भाजपा नेता गुरमेल चौधरी ने दून के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी पर भी निशाना साधा है। बद्दी में पत्रकारों से बातचीत में गुरमेल चौधरी ने कहा कि बद्दी को नगर निगम बनाने के फैसले को लेकर काफ़ी समय से विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा लिखित ज्ञापनों के माध्यम से नगर निगम ना बनाने की मांग भी सरकार से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी भी अपनी सरकार के इस निर्णय के विरोध में हैं, लेकिन सरकार से इस फैसले को वापस नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक से बद्दी को नगर निगम बनाने के फैसले के पक्ष में या विरोध में होने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जगह जगह पंचायतों के नुमाइंदों ने भी मैक्सिमम लिख कर दे दिया है कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए, और लोग भी इसका पूरे जोर विरोध कर रहे हैं, और विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है। ये सुनने में आया और देखने में आया कि जो पिछले पेपर में पढ़ रहे थे कि राम कुमार जी ये बोल रहे हैं कि जी मैं भी इसके विरोध में हूँ, तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी, जब आप इसके विरोध में हैं तो आपकी सरकार इसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है, और यदि आपकी सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है तो आपकी नहीं सुन रही, नहीं चल रही, तो आप हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं।